अस्सलाम वालेकुम, अरबियन फूड किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बची हुई रोटी से कम वक्त में नाश्ता कैसे तैयार होता है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये नाश्ता बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आएगा, जो बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत मज़ेदार होता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का एंड तक देखिए। सबसे पहले इन रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े काट लें। रोटियां बर्बाद करने का मन नहीं होता, इसलिए भी इसी तरह के नाश्ते बनाने से रोटियां बर्बाद नहीं होती। ये देखिए, इस तरह मुकम्मल रोटियों को कटर से काट कर टुकड़े तैयार कर लिए हैं। फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रखकर तेल गरम कर लेंगे। फिर इन रोटियों के टुकड़ों को फ्राई कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे फ्राई हो गए हैं। अब इसको एक बड़ी प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर, एक चुटकी काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सौंफ, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक छोटी कटी हुई प्याज, एक छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ, थोड़ा बारीक कटा हुआ समार, आधा नींबू का रस, इनको डालकर मिक्स कर लेंगे। इसमें काला नमक और चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बची हुई रोटी से ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और जल्द तैयार होने वाला ब्रेकफास्ट है। आप भी ट्राई कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।